गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अंकित शर्मा फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल खेड़ा। टूजा टूडे आई विल टीच यू यूनिट वन क्वेश्चन आंसर। चेंज नंबर है क्वेश्चन फोर। पहले भी आपको ये क्वेश्चन आंसर करा दी गए, फिर से देख लें एक बार। व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर वन है, पेज नंबर फोर पे। व्हाट डू यू थिंक बर्ड से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। थिंक मीन सोचते हैं, बर्ड मीन पक्षी, से माने कहते हैं, टू ईच अदर एक दूसरे को, इन द मॉर्निंग सुबह में। आप क्या सोचते हैं कि सुबह में पक्षी एक दूसरे को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर आई थिंक, हमसे पूछा गया है इसलिए यहाँ पर हम आई राइट करेंगे। आई थिंक, मैं सोचता हूँ बर्ड से पक्षी कहते हैं गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते, टू ई अदर एक दूसरे से, इन द मॉर्निंग सुबह में। मैं सोचता हूँ कि पक्षी जो है एक दूसरे से सुबह में गुड मॉर्निंग कहते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें, हु आर ऑलरेडी अवाक। डब्ल्यू एस ओ हु मींस होता है कौन, आर मींस है ऑलरेडी अवाक, पहले से कौन जागा हुआ है। तो देखिए बर्ड एंड बी आर ऑलरेडी अवाक, पक्षी और मधुमक्खियां, पक्षी गा रहे थे कौन आया, और जो बीच की जो है हमें बजिंग बीच गुलजार दवाएं दे रही थी पॉइंट्स में, तो ये बर्ड और बीच आर ऑलरेडी आवाज होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच क्रिएटर, क्रिएटर कहते हैं बच्चों प्राणी, प्राणी हम सब प्राणी हैं जो इधर उधर घूम रहे, चल रहे, फिर रहे, उड़ रहे, हवा में उड़ रहे, पक्षी ये भी प्राणी है, जीव जंतु ये सारे प्राणी है, इंसान एनिमल क्रिएटर कहते हैं सबको मिला करके। विच क्रिएटर, कौन से प्राणी बैकअप इन द मॉर्निंग, बैकअप मीन उठ खड़े हुए जाग गए इन द मॉर्निंग सुबह में, बिफोर द चाइल्ड डज, बच्चा जागा उससे पहले कौन कौन से प्राणी जाग सके थे। तो देखिए बर्ड पक्षियां, बी मधुमक्खियां, काउच गाय, और घोड़े, डक बताते हैं, सी भेड़े एंड चिकन और मुर्गे, आर बैकअप जाग गए इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड, बच्चा जागा, बच्चा खड़ा हुआ अपने बिस्तर से उससे पहले ये आग क्रिएटर जा चुके थे। बच्चों आगे आपके ये ब्लैंक दिए गए हैं, कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंस बिलो यूजिंग एंड और बट। तो देखिए फर्स्ट में आपको दोनों सेंटेंसों के बीच में बट राइट करना है, सेकंड में आपको एंड राइट करना है, थर्ड में आपको बट राइट करना है, एंड फोर्थ में बट राइट करना है। इस प्रकार ये दोनों सेंटेंसों को जोड़ करके और फिर बीच में आपको राइट करने हैं बट और एंड। इस प्रकार ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको कंपरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़नी है, इसको मैं कल बताऊंगा बच्चों। ओके, थैंक यू।